जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। आप सभी का स्वागत है ओपन स्टडी परिवार में और आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली बोलना चाहूंगा। दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस दिवाली पर हम लोगों ने आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ऑफर भी दे रखे हैं। अगर किसी को भी पेड क्लासेस लेनी है, पेड बैच में एनरोल करना है, तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां से कोई भी बैच ऑफर में प्राप्त कर सकते हैं। 50% लगभग आप लोगों का और उससे भी ज्यादा आप लोगों को ऑफर मिल रहा है। मतलब ऐसा ऑफर कोई नहीं दे रहा होगा, इतनी कम प्राइस में आप लोगों को पेड क्लासेस यहां पर मिल रही है। तो सभी लोग ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर जो भी इच्छुक है, आपके दोस्त भाई बंधु जिसको भी आपको ज्वाइन कराना है, आप लोग करा सकते हैं। आज की जो वीडियो है ये क्विक वोकैब सीरीज की 26वीं क्लास है, जिसके अंदर फिर से 10 मिनट के अंदर कुछ ऐसी वोकैबुलरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले कुछ एग्जामिनेशंस में पूछी गई वोकैबुलरी होगी। सेम देखो, हम कोई भी एक चीज उठा रहे हैं तो उसको पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं, यानी कि अभी हम लोग टीसीएस बेस्ड जो वोकैबुलरी पूछी गई टीसीएस के द्वारा, जो मल्टीपल चॉइस वाली, इसकी भी हमने कंप्लीट सीरीज चला रखी। लगभग चौथी या तीसरी क्लास होगी। ऐसी ऐसी 5 से 6 क्लासेस हम दे रहे हैं, जैसे फोबिया की हमने 5 से 6-7 क्लास कर ली, तो ऐसे ही इसकी भी अभी 1-2 क्लास और आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, और पूरा प्लेलिस्ट अगर आपको शेयर करनी है तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक कॉपी करके किसी को शेयर करना, बड़ी काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। हाईली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मात्र 10 मिनट की वीडियो में मिल जाता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना जितने भी लोगों ने नहीं किया है। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, और बिना कमेंट करे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कमेंट करने की वजह से ही आपकी ये सीरीज चल रही है। आप जानते हैं, आप लोग कमेंट करते हो, बताते हो कि ये कितनी यूजफुल है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, यहां पर आपको सेम पैटर्न मिलेगा, सारी की सारी वोकैबुलरी आपकी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2018-19 में पूछी गई है टीसीएस के द्वारा। सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन अभी, इसके अलावा एंटोनिम्स भी आएंगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, जैसे हमसे सबसे पहला वर्ड है यहां पर इन्फेरेंस। पहले तो हमें इन्फेरेंस का मतलब पता होना चाहिए, फिर इसके चार ऑप्शन इनका भी मीनिंग पता होना चाहिए, फिर इसके अलावा इनका आंसर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें आपको सीखनी है। कभी भी हम लोगों को, ज्यादातर लोग यही करते हैं कि ऑप्शन जितने भी आते हैं वोकैबुलरी के, उनको ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? बिगनिंग, कंक्लूजन, प्रेपरेशन या डिस्कवरी। तो पहले तो आपको इन्फ्रेंस का मतलब पता होना चाहिए। इसका हिंदी में मतलब होता है निष्कर्ष। क्या मतलब होता है? निष्कर्ष मतलब आप बोल सकते हैं रिजल्ट। अगर आपको किसी भी चीज का रिजल्ट मिल जाता है, आप उसी को क्या कहते हैं? इन्फेरेंस कहते हैं। मैंने कहा यार, मैंने ये काम किया, मुझे इसका इन्फेरेंस कुछ नहीं मिला, आउटपुट कुछ नहीं मिला, मतलब कंक्लूजन कुछ नहीं मिला। तो कंक्लूजन का मतलब भी क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? निष्कर्ष होता है कि नहीं? डिस्कवरी आप जानते हैं, ये खोज होती है। सारे के सारे नाउन की तरह यूज किए जा रहे हैं। ये भी नाउन है आपका, ठीक है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, अभी तो शुरुआत है, ऐसे करके बोल देते हैं। और प्रेपरेशन तो आप जानते हैं कि भैया तैयारियां चल रही हैं, ठीक है, तैयारियां चल रही हैं, शादी की तैयारियां चल रही हैं, दिवाली की तैयारियां चल रही हैं, तो इसको कहते हैं तैयारी, प्रेपरेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक होता है कॉन्शियंसियस, एक बड़ा प्यारा शब्द होता है कॉन्शियंसियस, इसको पढ़ना है कॉन्शियंसियस, कॉन्शियंसियस, कॉन्शियंसियस। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड, ऑनेस्ट, साइंटिफिक या फॉल्स। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कोई एक वर्ड आपको चूज करके आंसर टेक करना है एज अ सिनोनिम, और बाकी के सारे वर्ड्स का मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्शियंसियस का मतलब होता है ईमानदार। क्या मतलब होता है? ईमानदार होता है मेरे भाई। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हैं ईमानदार के लिए, वैसे तो नीचे मीनिंग लिखा ही है ऑनेस्ट। ठीक है, आप इसके लिए काइंड भी लिख सकते हैं, उदार व्यक्ति होते हैं उनको भी हम लोग कॉन्शियंसियस कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड तो आप जानते हैं कि भैया अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड रखो, यानी कि अपना ध्यान केंद्रित रखो। क्लास जब भी आप लोग देखते हो तो पेन और पेपर लेकर के बैठा करो और एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होके, ठीक है, क्योंकि ये जो वोकैब सीरीज है 10 मिनट्स वाली, इसमें हम लोग किसी भी चीज पे चर्चा ही नहीं करते हैं, किसी और चीज पे बातें नहीं करते हैं सिवाय कंटेंट के। तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होकर के, ठीक है, ईमानदारी से, कोई भी झूठा दिखावा नहीं, फॉल्स मतलब झूठा, कोई भी झूठा दिखावा नहीं करना आपको। ठीक है, सिर्फ सच्चाई से काम करना, ईमानदारी से। साइंटिफिक मतलब आप जानते हैं वैज्ञानिक होता है, कोई भी ऐसा रीजन है, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम है जो साइंटिफिक है, तो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, वैज्ञानिक इसका मतलब होता है। कर्टेल का मतलब होता है, ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा करना, ठीक है, छोटा करना, ठीक है, काट छांट करके छोटा करना, सीवियर करना एक तरीके से होता है इसका मतलब। ठीक है, सीवियर कर सकते हो। अब देखो, सीवर से बने हुए 2-3 वर्ड आप लोग याद रखना है। यहां पर सीवर का मतलब होता है किसी भी चीज को काट छांट कर छोटा करना, या किसी के भुजा काटना, मतलब किसी की ब्रांचेस को अलग करना, ठीक है, ये होता है सीवर। एक होता है सीवियर,
ठीक है, ये तो आपका वर्ब होता है, ये जो होता है सीवियर ना, एस ई वी ई आर ई, ये होता है आपका सीवियर, तेज, तेज होता है इसका मतलब तीव्र, ठीक है, तीव्र, आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो। और एक होता है सीवर, इस वाले का मीनिंग यहां पर सही से लिख लेना, एक होता है सीवर, इसको बोलते हैं सीवर, इसको बोलते हैं सीवियर, और इसको बोलते हैं सीवर, सीवर लाइन जो होती है ना, ये डब्ल्यू आता है इसमें, जो आपका नाला होता है, नाली बोल सकते हो, ठीक है। ये तीनों वर्ड आप लोगों को याद रखने हैं, एक तो सीवर, सीवियर और सीवर, ठीक है, ये सीवर होता है नाला, ये सीवर होता है तेज एडजेक्टिव की तरह, ये नाउन होता है, और ऊपर वाला वर्ब की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब ऊपर मैंने लिख रखा है छोटा करना, किसी भी चीज को काटना, डाउन साइज करना, मतलब किसी भी चीज का साइज छोटा कर देना। अच्छा, ये बाकी के तीनों वर्ड एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है, एक दूसरे के तो सिनोनिम है और इसके एंटोनिम है, आप इनका एक ही साथ मीनिंग लिख लो, सारे के सारे सिनोनिम्स हैं तीनों एक दूसरे के। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, किसी भी चीज को बड़ा करना, विस्तार करना, इसका मतलब होता है विस्तार करना, देखो एक्सपेंड करना, एक्सटेंड करना, लेंथन करना, प्रोलोंग करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोलोंग वर्ड, कई बार रिपीटेडली पूछा गया वर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंडेम्न बड़ा प्यारा शब्द है, इंपॉर्टेंट है, ऊपर टिक कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दसियों बार पूछी गई वोकैबुलरी में से एक वर्ड है, दसियों बार, दस दस बार, ग्यारह ग्यारह बार, बारह बारह बार पूछे गए वर्ड्स में से एक है कंडेम्न। वर्ब की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना, क्या करना, कंडेम्न, किसी की आलोचना करना, बुराई करना, क्रिटिसाइज करना। तो यहां पर देखो कमेंड तो हो जाएगा इसका उल्टा एंटोनिम, ये तो हो जाएगा एंटोनिम, मतलब अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी की आलोचना कर रहे हैं, उसका उल्टा कर दो कमेंड, मतलब सराहना करना, सराहना करना, ठीक है, मतलब किसी की तारीफ करना, कमेंड, कमेंड मतलब प्रशंसनीय बोल सकते हैं, ठीक है, कमेंड करना मतलब प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट तो आप जानते हैं, देखो एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, दोनों ही लिख देता हूं यहां पर, ये शायद दूसरा लिख दिया है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक और ये होता है कॉम्प्लीमेंट सराहना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता है सराहना या प्रशंसा बोल सकते हैं, सराहना लिख सकते हैं, ठीक है। और एक होता है अप्रूव करना, अप्रूव मतलब किसी भी चीज को मंजूर करना, अप्रूव करना किसी भी चीज को मंजूरी देना, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा अप्रूव करना, मंजूर करना। डिनाउंस इसका उल्टा हो जाएगा, किसी भी चीज की क्रिटिसाइज करना, बुराई करना, इसका मीनिंग लिखना बुराई करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कमेंड मतलब तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट सराहना होता है, जिसमें आई होता है वो सराहना और ई होता है वो पूरक होता है, कंप्लीट से रिलेटेड होता है। देखो एरोनियस एक शब्द होता है, एरोनियस, एरोनियस का इनमें से सिनोनिम ढूंढना है और इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। देखो एरोनियस का मतलब होता है रॉन्ग, क्या मतलब होता है इसका, रॉन्ग, यानी कि अगर कोई चीज है जो गलत है, ठीक है, तो उसको कहोगे गलत है भाई, ये तो इनवैलिड है, क्या है, इनवैलिड है। डल होता है एकदम धुंधला, धुंधला बोल सकते हो, बेकार सा बोल सकते हो, ठीक है। एक होता है प्रॉपर, प्रॉपर मतलब होता है उचित, प्रॉपर मतलब उचित, और रिग्रेटफुल मतलब क्या होता है, पछतावापूर्ण, क्या होता है, पछतावापूर्ण, मतलब ऐसा कोई काम कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ रहा है, तो इसको कहा जाता है क्या, रिग्रेटफुल। मैंने कहा यार इसकी जो एक्शन है वो रिग्रेटफुल है। थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा यूजफुल लगा होगा, हालांकि छोटा सा वीडियो है और इस छोटे से वीडियो में कहीं ना कहीं हमने कुछ वर्ड्स कलेक्ट कर लिए, अच्छे अच्छे शब्द हैं जितना मुझे पता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, एक नोटबुक प्रॉपरली बना लेना वोकैबुलरी की। बाकी बस इतना ही कहूंगा कि कॉमेंट जरूर करें और आपको बताना है कि कौन सी वीडियो में आपको कितने सारे वर्ड्स मिले और कैसी लगी क्लास, ठीक है, ये जरूर बताया करो, हर क्लास में लाइक कर देना, और टेलीग्राम पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी सारी की सारी इकट्ठी, ठीक है। और सभी को हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।